तो लोग बोले कि हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ इस तरह। तो मैं अभी मैं ये इम्प्रेशन देना देता हूँ कि मैं अकेला गेम खेल रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी की हिस्ट्री, अगर एक कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्ट्री देखेंगे ना। अच्छा, आप भी आए हो। तो जितना स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस हैं, हिंदी क्या है, जितना स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस रहेंगे उतना लॉन्जेविटी रहेगा। एक बंदे का लाइफ स्पैन कितना होता है? 70, 80, 90, 100, 120, नॉट बियॉन्ड दैट। लेकिन जो एक डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी का लॉन्जेविटी काफी लंबा होता है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि कुछ खराब करके जाऊं मैं। कहीं है एक कीड़ा है अंदर, नहीं यार, तुम अगर तुम्हारा ट्रांसफर होता सिस्टम टूटना चाहिए, एक कीड़ा है अंदर सोच रहा है, लेकिन ये गलत होगा। तो टीम गेम है, मुझे बढ़िया ऑफिसर्स मिले हैं। ये अलग बात है कि पहले प्रायोरिटीज और कुछ था। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट द टीम एफर्ट, नंबर वन। नंबर टू, मुझे टाइम चाहिए। अगर 15 दिन के टाइम में लोग मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनते उसके बारे में बात करते हैं, तो उसका मतलब बंदे में दम है। इतना दम है बात और किसी चीज के बारे में बात नहीं हो रही है। अभी बात हो रही है बंदा यूनिफॉर्म नहीं पहन रहा है, मेरा फेवरेट कलर क्या है इसके बारे में बात हो रही है, इसका मतलब गेम और कहीं पे चल रहा है। नंबर तीन, आपको पता भी नहीं है जेएनके मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी नहीं है। जिस दिन पता चलेगा शायद तब तक मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, तब तक मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। मेरा लाइफ में मैं उड़ीसा छोड़ा हूं 1992 में। गाना कौन सा है? और गाना मैं बोल रहा नहीं, मैं उड़ीसा छोड़ा हूं 1994 में। ये आईपीएस लिखना जरूरी है? मेरी मम्मी मना की थी आईपीएस नहीं लिखना, प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल को तोड़ना चाहिए। तो 94 में मैं छोड़ा था उड़ीसा, 6 साल हो गया वहां से, 18 साल हो गए यहाँ, 26 साल हो गया। तो टेक्निकली जो मेरा 15 साल तो कुछ भी नहीं होता, 15-16 साल तो इसी काट देते हैं। तो जो मेरा लिविंग लाइफ है, ज्यादा टाइम में जेएनके में बिताया। और मेरा कोई, आप देखोगे कोई भी आईपीएस बंदे को आप लगा दो जम्मू में और उसको हटा दो 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद, वो उसके बाद भाग जाता है डेपुटेशन में, या 4 साल या 3 साल के लिए। मैं तो कोरा बोलता हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करता। तो केरंद साहब, मेरा उनका मेहरबानी था मेरे ऊपर, मुझे रख लिया आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो 3 साल में बाहर रहा, लेकिन मैं डेपुटेशन में नहीं किया। जेएनके मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं डेपुटेशन में नहीं जाऊंगा, कैरियर जाए फाड़ में, हिंदी में। तो जो कर्मभूमि होता है ना, वो जन्मभूमि से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग इंडिया के बाहर पैदा हुए थे, इंडिया में आके काम किए हैं, वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बाकी ठेका लिए हैं हिंदुस्तान की बोलने के लिए कि भाई सब हम देश का सुधार करें। तो बाकी वहीं पे हो जाएगा। थैंक यू।